सो गाइस, काफ़ी दिन से मेरे पीसी में एक प्रॉब्लम आ गई थी एंड फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद मैंने उसका एक सलूशन ढूंढ लिया है एंड मैं चाहता हूं कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं। सो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी दिन से मेरा कंप्यूटर बहुत ही स्लो चल रहा था एंड कोई भी वीडियो भी अगर मैं प्ले करता हूं तो उसमें भी मुझे लैग देखने को मिल रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सो अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं टास्क मैनेजर में गया तो मुझे कुछ वहाँ पर दिखा ऐसा, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और शायद यही रीज़न था इस प्रॉब्लम का। सो आप देख सकते हैं विंडोज़ डिफेंडर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 GB रैम मेरा यूज़ कर रहा है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे एक सलूशन बताता हूँ अपना। सो विंडोज़ डिफेंडर अगर इतना रैम यूज़ कर रहा है तो मे बी पॉसिबल है कि आपके पीसी में कोई वायरस होगा और शायद उसको रोकने के लिए या स्टॉप करने के लिए ही ये इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग विंडोज़ डिफेंडर कर रहा हो। तो इसलिए आप क्या करो कि यहाँ पे आकर के एक स्कैन कर लो विंडोज़ डिफेंडर में आके। तो मैंने भी स्कैन किया बट यहाँ पे मुझे 0 threads दिखाई दिए, मतलब स्कैन में मुझे कुछ मिला नहीं। कई बार स्टार्टअप जो आपका होता है लिस्ट, उसमें कई सारे फालतू के ऐप्स रन कर रहते हैं, इसलिए भी कंप्यूटर थोड़ा स्लो चलता है। बट यहाँ पर मैं देख सकता हूँ विंडोज़ डिफेंडर का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी लो है। सो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए, बट ये इम्पैक्ट जो यहाँ पे हम देख रहे हैं विंडोज़ डिफेंडर का, ये इतना सारा रैम यूज़ करना, ये तो बिल्कुल भी लो इम्पैक्ट नहीं है। मतलब कि ये पॉसिबल है कि पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बस अब हमें ये पता लगाना है कि गड़बड़ी क्या है। इंटरनेट पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि विंडोज़ डिफेंडर रियल टाइम प्रोटेक्शन कर रहा होता है एंड इसीलिए उसके रैम यूजेज ज़्यादा होते हैं, बट आई एम श्योर कि इतने भी ज़्यादा नहीं होते। इस हिसाब से अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत ही डेंजरस है, आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं करना चाहिए। ऑफ़ करने से आपका जो पीसी है वो वल्नरेबल हो जाएगा एंड उस पर वायरस के अटैक के चांसेस और बढ़ जाएंगे। लेट्स सी कि अगर हम टास्क मैनेजर में से विंडोज़ डिफेंडर के टास्क को एंड कर देते हैं तो क्या होता है। तो ये रहा मेरा विंडोज़ डिफेंडर .exe, इसको राइट क्लिक करते हैं एंड इन टास्क कर देते हैं। एंड फिलहाल देखिए ये हटा तो नहीं है, बट थोड़ी देर वेट करके देखते हैं। एंड ये देखिए हट गया है एंड मेरा मेमोरी यूजेज भी देखिए अब 24% पे आ गया है, तो ये यहाँ से रिमूव हो गया है। बट गाइस देखिए फिर से ये वापस आ गया है, तो चलिए इसको फिर से एक बार इन टास्क कर देते हैं। एंड ये फिर से चला गया, बट इसका कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि ये एंड में फिर से वापस आ ही जाने वाला है। सो गाइस देखिए फिर से वापस आ ही गया है, तो चलिए यहाँ से डिटेल में जाकर के देखते हैं हम। गो टू डिटेल एंड यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर .exe दिख रहा है, तो चलिए इसको हम यहाँ से ओपन फाइल लोकेशन कर लेते हैं। एंड देखिए यहाँ पे ये हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है, ये मेरे नाम वाले फोल्डर के अंदर एक सपोर्ट नाम का फोल्डर है जिसमें ये मुझे फाइल लोकेशन दिख रहा है इसका। बट जो विंडोज़ डिफेंडर है इसका लोकेशन लोकल डिस्क सी में प्रोग्राम फाइल्स में होना चाहिए। मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ लोकल डिस्क सी में मैं जाता हूँ, यहाँ प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, तो ये देखिए यहाँ पे पहले से एक विंडोज़ डिफेंडर का फोल्डर पड़ा हुआ है। इसको मैं यहाँ से अगर ओपन कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा पूरा विंडोज़ डिफेंडर का सॉफ्टवेयर तो यहाँ पड़ा हुआ है। इवन मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ से मेरा विंडोज़ डिफेंडर ओपन भी हो रहा है जहाँ से मैं वायरस स्कैन वगैरह करता हूँ। तो क्या इसका मतलब मेरे पीसी में दो विंडोज़ डिफेंडर हैं? दिस इज़ नॉट समथिंग नॉर्मल। इसका मतलब ये दूसरा वाला एक फेक विंडोज़ डिफेंडर है और मुझे इसको डिलीट करने की ज़रूरत है। सो यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं एंड देन डिलीट पर क्लिक करते हैं। बट ये देखिए क्या लिख करके आ गया कि ये ऐप जो है वो यूज़ हो रहा है, तो हमको सबसे पहले इसे कम बंद करना होगा। तो यहाँ पे जाकर के जल्दी से हम इसको इंड टास्क कर लेते हैं और फटाक से यहाँ पे आके इसको डिलीट कर देते हैं जल्दी से, हाँ, ताकि ये फिर से ऑन ना हो जाए। एंड गाइस देखिए इसको डिलीट करने के बाद मेरा रैम यूजेस काफ़ी कम हो गया है, अभी ये 29% पे चल रहा है। एंड गाइस फाइल लोकेशन को मैंने थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट किया एंड थोड़ा सर्च किया तो मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। यहाँ पे एक readme.txt फाइल मिला मुझे, तो चलिए इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे देखिए गाइस टीम ब्लैक माइनर, आप में से काफ़ी लोग को समझ में भी आ गया होगा कि ये क्या है, बट जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो है एक माइनिंग सॉफ्टवेयर था। माइनिंग सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो बिटकॉइंस माइन करता है। आपके पीसी में ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है और बिटकॉइंस माइन करता है, और जिस प्रोग्रामर ने भी इसको बनाया है ये बिटकॉइंस माइन करके जो भी इसका प्रॉफिट होता है वो उस प्रोग्रामर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। गाइस जिसने भी इसको बनाया था उसने कितनी चालाकी से इस सॉफ्टवेयर को विंडोज़ डिफेंडर का नाम दिया था, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर आप अपने टास्क मैनेजर में विंडोज़ डिफेंडर को देखेंगे तो आप उसको वहाँ से डिलीट नहीं करना चाहेंगे या उसके प्रोसेस को स्टॉप नहीं करना चाहेंगे। जैसे कि चोर को पकड़ना तो आसान होता है, बट अगर चोर पुलिस के रूप में आ जाए तो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो वैसा ही यहाँ पर कुछ हो रखा है। सो गाइस इस सॉफ्टवेयर के बाकी के जो फाइल्स हैं उनको भी अब हम डिलीट कर देते हैं। तो ये कहाँ था, हमारे सपोर्ट फाइल में था, तो हम इस फाइल को क्या करते हैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं ये फिर से इस तरह का कुछ मैसेज मिल गया, तो एक काम करते हैं इसको हम थोड़ा बारी बारी डिलीट करते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से फिर से ओपन कर लेते हैं एंड थोड़ी फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड तब डिलीट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ मैं बाहर से ही स्टार्ट करता हूँ, तो इतना सेलेक्ट कर लिया, चलिए डिलीट करते हैं एंड यप ये डिलीट हो गया। इसको भी डिलीट करते हैं एंड ये भी चला गया। सो बाकी के भी डिलीट कर देते हैं हम एंड यहाँ से डिलीट एंड ये भी डिलीट हो गया। फाइनली एक ही बचा है तो ये भी डिलीट हो गया। तो गाइज अब सारा फोल्डर हमने बिल्कुल खाली कर दिया है, अब कुछ भी हमारे पास नहीं है डिलीट करने को, ये फोल्डर डिलीट नहीं हो रहा तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस फाइनली हमने इस सॉफ्टवेयर से अपने आप को बचा लिया है एंड अब हमारा पीसी बिल्कुल नॉर्मली वर्क करेगा। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा सीपीयू यूजेस हो रहे हैं क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अदरवाइज़ रैम यूजेस काफ़ी कम हो गए हैं। सो गाइस अगर फ्यूचर में कभी आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप भी इस तरीके से अपना सलूशन ढूंढ सकते हैं। थोड़ा सा आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप इसी तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा एंड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।